हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपके बहुत काम की है। मेरे बहुत सारे फ्रेंडों का कॉल आया, बहुत सारे फ्रेंड मेरे से पूछते हैं, चैट करते हैं और मेरे नीचे वीडियो में कमेंट करते हैं, सर कुछ ऐसा बताओ जो हमारे फोन में कोई डाटा या कोई वीडियो डिलीट हो गई है तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। कई बार किसी वजह कारण हमारा फोन टूट जाता है या हमारा किसी कारण फोन फॉर्मेट बच जाता है, जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो जो डाटा होता है वो आउट हो जाता है। तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ भी आप उसको कैसे बड़ी इजिली अपने घर बैठे बगैर किसी को एक रुपए दिए आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, उसमें एक कंडीशन ये है भी आपके पास वही तो फोन होना चाहिए जिसमें आपका डाटा था, वही मेमोरी कार्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो भी आपके पास फोन दूसरा हो, आप नए वाले फोन में पुराने वाले वीडियो को आप या डाटा को रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, आपके पास वही फोन हो, वही उसी फोन में मेमोरी कार्ड हो, मतलब कि तब आप ए टू जेड जो भी चीज आपकी डिलीट हो गया आप उसको रिकवर कर सकते हो। आज की वीडियो कंप्लीट देखना, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन मैं लाइव दिखाने वाला हूँ बगैर वीडियो को स्किप किए एक एक पार्ट। पहले मैं फोटो खींचूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसको रिकवर करके आपको दिखाऊंगा कैसे रिकवर कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो में और दिखाता हूँ आपको पूरा ये प्रोसेस। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मैंने अपना प्ले स्टोर खोला और जहाँ ऊपर मैंने फायर रिकवरी डाला, उसके बाद कुछ इस तरह का आपके सामने एक डाटा रिकवरी फायर रिकवरी, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल करता हूँ जे मैं वीडियो पूरे बगैर स्किप किए दिखा रहा हूँ ताकि आपका ट्रस्ट भी मेरे साथ बना रहे और आपके पास कंप्लीट नॉलेज भी आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस क्या करना है ये मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। ये मैंने इंस्टॉल अभी देखो आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको मैं पूरा प्रोसेस होने से पहले एक फोटो खींचूंगा और एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और दोनों को डिलीट कर दूंगा, फिर मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखो जे अभी ये जहां तक प्रोसेस हो गया है अभी मैं इसको जहीं पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसको जहीं से होल्ड कर देता हूँ। अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अभी देखो मेरे पास एक मोबाइल कवर है, मैं इसकी फोटो खींचता हूँ आपके सामने। ये देखो फ्रेंड, आप ध्यान से देखते रहना। ये देखो मैंने मोबाइल की फोटो खींच ली है। ठीक है फ्रेंड, और इसको मैंने फोटो खींच ली। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ये मतलब एक कार्ड है, इस कार्ड की मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ताकि मैं दोनों चीजों आपको रिकवरी करके दिखाऊंगा। ये देखो मैं तकरीबन एक दो सेकंड की मैंने आपके सामने ये वीडियो बना ली है। जैसे फ्रेंड ये वीडियो बन जाती है तो ये देखो उसके बाद में जो दोनों चीजों को आपको गैलरी में से डिलीट करके दिखाऊंगा। ये देखो ये आ गई है वो वीडियो, इसको मैं आपके सामने जहाँ लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो जहाँ से डिलीट का बटन है जहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड ये मेरी फोटो है, इसको भी मैं क्या करता हूँ जहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अभी उसके बाद मैं क्या करता हूँ वापस उस एप्लीकेशन पे जाता हूँ जो हमने इंस्टॉल किया जी एप्लीकेशन है, इसको अभी मैं ओपन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये ओपन करने के बाद एक अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। जहाँ अलाउ जो भी दो चीजों का अलाउ मांगेगा इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड इसमें हम क्या क्या रिकवर कर सकते हो, मतलब रिकवर फोटोज, रिकवर वीडियो, रिकवर ऑडियोज, एसडी कार्ड या रिकवर कॉन्टेक्ट, जो हमारे कॉन्टेक्ट भी डिलीट हो गए उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जहां से रिकवर्ड आ जाएगा हमने क्या क्या रिकवर्ड किया है, जहां पे आ जाएगा सबसे पहले मैं फोटो रिकवर करके दिखाता हूँ। जहां फोटो पे हमने क्या करेंगे, जहां पे चल रहा है फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाने दी, अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ, बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मैं गैलरी से आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जहाँ एल्बम में जाता हूँ, मेरे पास 866 टोटल फोटो है और वीडियो कितनी है 53। अभी मैं रिकवर करके जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये रिकवर हो रहा है, जहां मैं दिखाता हूँ आपको ये कितनी फाइलें रिकवर करेगा। ठीक है फ्रेंड, आपको 866 थी, अभी आप यहां से देख रहे हो जी कितनी फोटो मुझे रिकवर करके देने वाला है। ठीक है फ्रेंड, ये रिकवर हो चुकी है। अभी मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ जो मैंने आपके सामने डिलीट की है। तो ये वाली फोटो है फ्रेंड, ये देखो ये वाली फोटो आपके सामने आ गई है। अगर हम इसको रीस्टोर पे लाएंगे तो पूरी की पूरी फोटो हमारी गैलरी में आ जाएगी। देखिए फ्रेंड, अभी हमने फोटो तो रिकवर कर ली है, अभी मैं आपको एक वीडियो रिकवर करके दिखाता हूँ जो आपके सामने मैंने वीडियो बनाई थी, अभी उसको मैं रिकवर करके दिखाता हूँ। जहाँ रिकवर वीडियो पे जैसे हम ओके करेंगे तो फ्रेंड
तो जहां पे ये जितनी फाइलें भी हमारे से डिलीट हो गई है या जो भी कोई फाइलें हैं, जो पूरा का पूरा रिकवर आपको करके दिखा देगा। ये देखो फ्रेंड, फर्स्ट में पड़ी है जो भी हमने मान लो ये वीडियो बनाई थी, ये देखो 15 नवंबर 2021 की, तो जितने सेकंड की हमने वीडियो बनाई है, तो जहां से रिकवर हो जाएगी, जहां से हम ओके कर सकते हैं, हम किसको रिस्टोर करना चाहते हैं, किसको रिस्टोर नहीं करना चाहते, तो जहां से हम ओके करके रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ फ्रेंड दिखाई है, ताकि आपके पास साथ कोई डॉट ना रहे, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे भी सर ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो रिकवर हम कर लेंगे, तो जहाँ ये आराम से अपने आप जहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ी बहुत ऐड आती है फ्रेंड, इसको हम हटा देते हैं, जहाँ से स्किप का बटन आता है उसके बाद जहाँ पे आ जाएगा वीडियो रिकवर कौन सी है, फोटो ऑडियो और जो, ठीक है, ये तीनों चीजों जहां से आपको रिकवर करके दे देगा, कॉन्टेक्ट भी आपको जहां से देखने को मिल जाएगा जब आप रिकवर करोगे। तो है ना फ्रेंड बड़ी कमाल की ट्रिक। जे उम्मीद करना फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।